नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक वाला मामला लोगों के जहन में गूंज रहा है, उसको लेकर नए नए सवाल और नए नए चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। आपको पता होगा कि BIB वीरेंद्र जो हैं वो इसको पूरा का पूरा पोल खोलने में लगे हुए हैं और आए दिन कुछ ऐसी ऐसी नए नई चीज़ें लाते हैं जिसको लेकर असमंजस और चर्चा का विषय बन जाता है। कल उन्होंने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में उन्हें डिटेलिंग के साथ बताया था कि खेसारी लाल यादव को फंसाने के लिए किस तरीके से 30 लाख रुपया लिया गया था, किसके ओर से लिया गया था, कौन लिया था, ये नाम खुलकर नहीं बता रहे हैं। लेकिन इशारा जो है कहा जा रहा है कि खेसारी यादव के मैनेजर जो मैनेजिंग करते हैं विवेक सिंह पर और अखिलेश कश्यप पर लगातार इस तरीके का आरोप लग रहा है और जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं उससे दर्शक भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि सच में ऐसा हुआ होगा। उन्होंने डिटेलिंग के साथ बताया कि 11 लाख रुपए मुंबई के थाने के किसी अकाउंट में गया था, इसके अलावा 4 लाख रुपए किसी के मेहरारू के अकाउंट में गया था, 5 लाख रुपए कैश लिया गया था और 11 लाख रुपए इंटीरियर डिजाइन किसी के घर का डिजाइन के लिए लिया गया था। और ये सारे डिटेलिंग रिप्रेजेंट, वाकई अगर देखा जाए वन साइडेड, तो ये सब रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि अगर लिया गया है तो ठीक है, लिया गया है, अच्छी बात है, लेकिन जो ये पैसा लिया गया है और वो कंपनी से लिया गया है, क्या इस पैसे का कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन खेसारी लाल यादव के पास पहुंचा, नहीं पहुंचा? अब ये जवाब खेसारी लाल यादव देंगे, आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता और BIB वीरेंद्र को भी नहीं पता कि एक्चुअली में ये जो पैसे अलग अलग आप बता रहे हैं वो पैसा सच में लिया गया है। अगर लिया गया है तो क्या ये बात खेसारी लाल यादव की जानकारी में है कि नहीं है? अगर जानकारी में है तो फिर इसको तो आप लोग मानेंगे कि गलत नहीं है, है ना? इसको तो अब दूसरी चीज ये हो सकती है कि ठीक है, हो सकता है कि भाई ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से पैसा लिया गया हो, तो पैसा लेने का वजह कुछ और भी हो सकता है। अब फंडिंग में आपको पता है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन फंडिंग भी करती है, तमाम चैनलों को फंडिंग करती है, तमाम चैनलों को देती है, डिजिटल देखती है, तो उन लोगों को भी पैसा देती है। तो क्या ऐसा तो नहीं है ना कि ग्लू बीट भोजपुरी या फिर अन्नपूर्णा फिल्म भी उसके साथ एसोसिएट हो गया हो जिसका पैसा वो दिया हो? ये भी एक सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब मेरा जहाँ तक प्रोस्पेक्टिव है, मेरा जहाँ तक सोच है कि जो व्यक्ति अपने मैनेजर और अपने राइटर को फ्री में गाने दे रहा है, मतलब फ्री में कहने का मतलब जिस तरीके से जब भी कहे तब दे देता है, फॉर्चुनर गाड़ियां गिफ्ट कर रहा है, उनके घर पर जा रहा है, उनसे पूरा का पूरा एकदम बाउंडेशन भी है, इसके बावजूद भी इस तरीके की कोई नहीं सोच सकता है, जहां तक मेरा प्रोस्पेक्टिव, नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोच सकता है। अगर मान के चलते हैं कि अगर ऐसी गलतियां हुई है इनके द्वारा, तो इस पर अस्पष्टता जो है खेसारी लाल यादव को देना चाहिए, खेसारी लाल यादव ही क्लियर करना चाहिए कि भाई पैसा दिया गया है कि नहीं दिया गया है, है ना? अगर खेसारी लाल यादव क्लियर कर देते हैं तब ये चीजें एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अदरवाइज हम लोग हवाओं में बात करेंगे, कयासों में बात करेंगे तो वो एक अलग है। और हम लोग तो विजेंद्र का ही भाई, BIB वीरेंद्र का ही हम लोग स्टेटमेंट सुन रहे हैं, तो वन साइडेड स्टेटमेंट सुन रहे हैं। दूसरे साइड का पक्ष क्या है, यानी कि अखिलेश कश्यप भी तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा दिखा के दिखाओ, लाइव आकर पूरा चैलेंज कभी कर रहे हैं, तो ये भी एक चैलेंजेज है। तो दूसरी बात हो गई कि खेसारी लाल यादव भी इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं दूसरा साइड का भी सुनना चाहिए आप लोगों को, दूसरा पक्ष क्या आता है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप लोग भावनाओं में आकर बोल देते हैं, हाँ मैं मानता हूं कि भावनाएं हैं आपके साथ जुड़ी हुई है खेसारी लाल यादव के साथ, लेकिन एक साइड का बात सुन के आप दूसरे साइड को सही मान ले, मतलब गलत मान ले, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जो गलत है उसका गलत होगा तो पिटारा खुलेगा, और पिटारा खुलेगा तो हम लोग भी बढ़िया तरीके से चढ़ाई करेंगे। लेकिन अभी तक खेसारी लाल यादव के द्वारा कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है, स्टिल यू हैव टू वेट फॉर दैट, फॉर द फाइनल रिप्लाई ऑफ खेसारी लाल यादव, इसके बाद ही जो चीजें होगी वो कहा जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, मतलब आपको जेन्युइनली क्या लगता है, ऐसा कर सकते हैं मैनेजर या फिर अखिलेश कश्यप, कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।